टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको दिखाएंगे टेलीविजन की दुनिया की धमाकेदार खबरें। आज सीरियल लाडो 2 में देखिए अनुष्का युवराज ने कैसे खेली एक दूसरे के साथ प्यार की होली। जीत गई तो पिया मोरे में देखिए क्यों चलाई देवी ने मासा पर गोली। भाभी जी में देखिए कैसे मॉडर्न कॉलोनी के लोगों पर चढ़ा होली के त्योहार का खुमार। सीरियल 51 में देखिए कैसे सत्या और सुशील के बीच हुआ एक ऑकवर्ड मोमेंट। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। ये है अनुष्का और युवराज के प्रेम की होली। चढ़ गया है अनुष्का और युवराज पर प्यार का रंग और दोनों संग खेल रहे हैं होली। इनके बीच इस प्यार में भी कहीं ना कहीं तकरार है जो इनकी मोहब्बत को बनाता है कुछ खास। जी हाँ, सीरियल लाडो में मनाया जा रहा है होली का त्योहार जहां अनुष्का और युवराज के बीच दिखा प्यार भरा टशन। दरअसल युवराज ने पी ली है भांग और भांग के नशे में वो पड़ गए हैं अनुष्का के पीछे उसे रंग लगाने के लिए। अनुष्का को हरा रंग पसंद नहीं है तो बस युवराज ने ठान लिया है कि वो अनुष्का को हरा रंग लगा कर रहेंगे। होली जो हमने आज खेली है बहुत ही अलग और यूनिक तरीके की होली थी, क्योंकि ये पूरा एक सॉन्ग सीक्वेंस पे शूट हुआ है और वो गाना है लहू मुँह लग गया, जो बहुत ही पैशनेट और इंटेंस गाना है। उसमें मज़ा भी है, फन भी है, तो सब हमने शूट किया है ये अनुष्का और युवराज ने। जो युवराज बेसिकली टेक्निकली इस त्यौहार से नफरत करता है, उसको रंग लगाना पसंद नहीं है, लेकिन भांग पी के आज वो जो रंग में ढलता है उसे खुद ही याद नहीं रहता वो क्या क्या कर रहा है। और बहुत ही मज़ा आया शूट करके, क्योंकि बहुत अलग तरीके से शूट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से शूट किया कम टाइम के अंदर। I just hope all of you like it and love it because we really loved doing it. इसलिए अनुष्का आगे आगे और युवराज है उसके पीछे पीछे। आखिरकार युवराज अपने मिशन में कामयाब हो ही गए। देखिए कितने प्यार से अपने गाल पर लगे हरे रंग से रंग दिया है अनुष्का का गाल। अनुष्का और युवराज के बीच होली के त्योहार पर दिखा अनोखा रोमांस। रोमांस तो अभी भी नहीं कह सकते हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर पानी डाला, उसी गुस्से में आकर ये भांग पीता है और बोलता है कि इसको हरा रंग पसंद है, इस पर हरा रंग डालूंगा। पूरे गाने में उस पर हरा रंग डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि सिंस बिकॉज टेक्निकली ही लव्स हर और शी लव्स हिम, जो बाहर नहीं आ पाता है ज़्यादातर, तो जब वो भांग के नशे में होता है तो वो खुल के वो सारी हरकतें कर रहा है जो वो नहीं कर पाता, और उस रंग में भंग डालती है मलारी, जब उसे दिख जाता है कि अरे ये तो लड़का हाथ से निकल रहा है बेटा, तो वो एक चीज़ है। लेकिन वो बहुत खुल के आई है चीज़ जिसमें मस्ती कर रहा है, क्योंकि युवराज इतने दिनों से मस्ती करता हुआ दिखाया नहीं, तो उसको मस्ती करता हुआ देखेंगे आप। बहुत पैशनेट है, वो पैशन आपको अनुष्का और युवराज की उस केमिस्ट्री में दिखेगा और बहुत खिल के दिखेगा। दोनों पानी में फिसल कर एक दूसरे से लिपट कर खेल रहे हैं ये प्रेम की होली। वेल, टीवी स्टार शालीन मल्होत्रा यानी युवराज को होली का त्योहार काफी पसंद है और उन्होंने इस फेस्टिवल पर की हमसे बात। देखिए, पर्सनली मुझे आउट ऑफ ऑल द फेवरेट फेस्टिवल दैट आई हैव, होली इज वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि इस दिन हम बहुत सारे दोस्त जितने भी हैं कोशिश करते हैं कि हम एक साथ मिलें, होली खेलें। मोर देन एनीथिंग आई थिंक एक वो त्यौहार है जिसमें सब रंग लगा कर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं, बैठते हैं कोने में, एक दो जाम पीते हैं। मैं तो कहता हूँ लोग पानी पीजिए, जैसे मैं जूस पीता हूँ। हाँ, मतलब कुछ ऐसे। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेवरेट फेस्टिवल ऑफ माइन इज होली, बिकॉज एवरी वन इज कलर्ड, एवरी वन इज एंजॉइंग, सब इन्जॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, सब रंग बिरंगे हैं और कोई इस वक्त ये नहीं देखता कौन कहाँ कैसे और क्या कर रहा है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब अनुष्का और युवराज ने एक दूसरे को रंग लगाकर ये तो साबित कर दिया है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो बहुत है, बस अब ये प्यार सबके सामने खुले दिल से दिखाने की देर है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। नरेन बोल रहा है पूजा को सॉरी। फूलों से सजाकर कैंडल्स जलाकर नरेन मांग रहा है पूजा से उसकी गलती के लिए माफी।
सीरियल पिया अलबेला में पूजा छोड़ के जा रही है नरेन को। नरेन कर रहा है लाख मिन्नते, पर फिर भी रुकने के लिए नहीं है तैयार पूजा। अब नरेन ने गलती ही ऐसी की है जिससे पूजा बहुत नाराज है। वेल, नरेन घर ले आया था पूजा को, पर उसके दिल में था कुछ और। रैली में पूजा को करवाना था किडनैप, पर पूजा को पता चल चुका था इस प्लान के बारे में और उसने ही खुद पर गोली चलवा दी। अब कैसे माफ करे पूजा नरेन को? हर मोड़ पे पूजा ने नरेन का साथ दिया, फिर भी मिला उसे धोखा और वो अब टूट चुकी है। इसलिए उसने किया घर छोड़ने का फैसला। अब नरेन उसे रोकने के लिए हजारों जतन कर रहा है। फूलों की पंखुड़ियों से लिखा है नरेन ने सॉरी। कैंडल से रोशन किया है पूजा का कमरा, पर पूजा का दिल है कि नहीं पिघला। अब माफी मांगने से और बहाने बनाने का वक्त जो है वो चला गया है और बहुत देर हो चुकी है माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि पूजा जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि वो आगे बढ़ेगी लाइफ में, और क्योंकि उसका मानना यह है कि नरेन से उसने बहुत प्यार किया है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर नहीं, और जिस तरीके से नरेन ने उन्हें सपने दिखाए और उनका विश्वास जीता और फिर एक ही पल में वो सब कुछ छीनना चाहते थे, इससे बड़ी बात पूजा के लिए कोई हो नहीं सकती है। वो टूट गई है पूरी अंदर से और उसको मनाना काफ़ी मुश्किल है। वेल, अब देखना होगा कि क्या पूजा नरेन का साथ हमेशा के लिए छोड़ देगी या फिर नरेन उसे मनाने में हो जाएगा कामयाब। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल जीत गई तो पिया मोरे में फाइनली उठ गया है घूंघट और खुल गया है राज, जिसे सुन अधिराज हो गए हैं शॉक्ड। और हो भी क्यों ना, आखिर झटका ही ऐसा था जो अधिराज को धीरे नहीं बल्कि बहुत जोर से लगा। जी हां, अधिराज से दूसरी शादी कर देवी इतने समय से घूंघट में ढकी हुई थी, लेकिन आज ये घूंघट उठ गया है और अधिराज के सामने ये सच्चाई आ गई है कि घूंघट के पीछे केसर नहीं बल्कि देवी थी। और इसी के साथ अधिराज ने चैन की सांस भी ली, क्योंकि देवी उनके पास एक बार फिर लौट आई है। लेकिन जब अधिराज को ये पता चला कि इन सब चाल के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी मासा का हाथ है, तो अधिराज हो गए आग बबूला और मासा को सुना दी खरी खोटी। ये सिलसिला यही नहीं थमा। अधिराज मासा से इस कदर खफा है कि अधिराज ने देवी के हाथों में थमा दी बंदूक और अपनी कसम देकर मासा को गोली मारने का दे दिया हुक्म। बस फिर क्या था, मौके का फायदा उठाकर देवी ने भी चला दी मासा पर गोली और फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। वेल, अब देवी के हाथों मासा का हो गया है अंत और इसी के साथ देवी की हो गई है जीत और फाइनली पिया भी हो गए हैं देवी के। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ हरिकृष्ण दुबे, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल भाभी जी घर पर है में सभी पर चढ़ा है होली का खुमार और पूरी मॉडर्न कॉलोनी मिलकर मना रही है होली का त्योहार। जी हाँ, होली के इस खास मौके पर नल्ले विभूति जी ने रखी घर पर होली पार्टी, जहाँ एक एक करके पहुँचे सभी मोहल्ले वाले। होली में हुड़दंग हो रही है और होली में अगर हुड़दंग ना हो तो फिर तो मजा भी नहीं हो रही है। तो कानपुर की होली है और हम सारे मिल गए मॉडर्न कॉलोनी वाले और देखिए, आप देख ही सकते हैं हालत से कि होली एकदम अपने शबाब पर है और अभी तो नाचगाना भी होने वाला है।
सबसे पहले अंगूरी भाभी और तिवारी जी ने एक दूसरे को रंग लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। वहीं दूसरी तरफ पहुंचे दरोगा हप्पू सिंह भांग के नशे में चूर होकर, और उन्होंने मचाया बवाल जब उन्होंने नहीं पहचाना किसी को। अरे कचूना हो भैया, ये सारे मोहल्ला की जो बहुत बड़ी चिराने हैं ना, टीका, मलखान, टिल्लू, पेलू, इन सारन ने मिल के हमें भांग पिला दी। अब हमें अंगूरी में गोरी मैम, गोरी मैम में गुलफाम गली, माँ साहब में को और नजर आ रहा हो। तुम कैसे हो? Well, दरोगा हप्पू सिंह के बाद सभी पहुंचे विभूति के घर और सबने दी एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं, और फिर शुरू हुआ होली का जश्न, जहां दिखा सभी का होली वाला डांस धमाल। सबसे पहले विभूति और अनीता ने दिखाया अपना डांस वाला जलवा। फिर बारी आई अंगूरी भाभी और तिवारी जी की, जहां दोनों होली के इस खास मौके पर एक दूसरे की बाहों में झूलते नजर आए। वेल, विभूति के इस होली पार्टी में सभी ने दिखाया अपना धमाल। तो हमारे सब चाहने वालों के लिए और जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा शो देखते हैं, सबको हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अपनी चिरांदों के पास। चिरान नंबर एक हमारा टीका और चिरान नंबर दो टिल्लू। तो भैया कहाँ चल रहे हो? जिधर अंदर सारे भांग बन रही है। और तेरा कहाँ चल रहा भैया? यार भैया एक बात बताना चाह रही था। होली का सबसे बड़ा फायदा पता क्या हो? भांग पी के किसी भी लड़की को छेड़ दो और बाद में बोल दो पूरे ना मानो होली है। सारे मुझे याद है, पिछली बार तुमने यही करो तो सारे थाने में बंद हो गए थे। वो तो मैंने ना पी रखी थी, 3 दिन लग गए तुम्हारी जमानत करवाने में, सारे मेरी बेइज्जती अलग करवा दी तुमने, वहाँ पे बकवास कर रहे हैं। दोस्त ना है तू मेरा? हाँ तो इसलिए तो उल्टा सीधे काम मत कर करो, मुझे झेलना पड़ता है सब कुछ। इज्जत तो ना है डिलीवर की बात कर रहे हैं। सारे वो सही बोल रहे हैं, एहसान फरामोश है गए, सारे मेरा एहसान भूल गए। अच्छा एक बात बता, पीके जो तूने ललिता का दुपट्टा खींचा था कभी ने? सारे तू छोड़ ना, भिगो 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 दिए तो तगड़े वाले सारे टिटी कैमरा पे तू बता रहे हो? कैमरे पे क्यों बता रहे हो? चप्पल भी छीन ली थी तेरी। आज भांग पी के सारे सच बोल डालेंगे। लेकिन संस्कारी मास्टर जी के इस डांस को देख आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। खैर ये तो थी सीरियल भाभी जी घर पर हैं की ऑन स्क्रीन कहानी, जो आपको सीरियल में दिखाई देगी। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं सेट की ऑफ कैमरा मस्ती, जहां सभी सितारे दिखे सेल्फी निकालते हुए। मैं चाहता हूं कि आप सब सेफ होली खेलें और पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें और ड्राई होली खेलें और गुलाल से खेलें, वेजिटेबल कलर से खेलें एंड हैव अ वेरी हेल्दी हैप्पी होली। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ हरी कृष्ण दुबे, जूम, मुंबई। तीस मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल 51 में सत्या और सुशील के बीच हुआ एक ऑकवर्ड मोमेंट। सुशील के हाथ आ गई है वो चिप जिसमें लीला दादी की असलियत छुपी है। चिप छुपी थी एक बलून के अंदर जो ऊंचाई पर था, और उस चिप को हासिल करने में कहीं ना कहीं सत्या ने भी सुशील की मदद की है, क्योंकि सत्या सुशील को बलून तक पहुंचने के लिए उठाता है। अभी बस दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं छुप छुप के, एक दूसरे को पता नहीं लगने दे रहे। क्या धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। एक बलून फोड़ना है और इनकी भी हाइट कम पड़ गई है तो उसमें अब मेरी सपोर्ट चाहिए। तो सब इनकरेज करते हैं सत्या को कि कुछ कर हेल्प कर सुशील की, तो फिर वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है दोनों के बीच में। बट देन सत्या है तो तेज, स्मार्ट है, क्लेवर है, तो जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। Well,
लीला सुशील के पास से चिप हासिल करने के लिए बिल्ली बनती है और बिल्ली की तरह बिहेव करती है ताकि उसको वो चिप मिल जाए। लीला टेबल पर चढ़कर सुशील के हाथ से चिप छीनने के लिए उसके हाथ पर काट लेती है जिससे सुशील के हाथ में से खून निकलने लगता है। अभी मैं नकली खून थोड़ा सा लगा हुआ है दादी के दांतों के निशान भी यहाँ पर दादी लिक सच में कर रही थी। नहीं, it was a nice scene. She performed really well. मतलब इस एज में एक बिल्ली बन के बिल्ली की एक्टिंग करना, I think she did a fine job. But see, just see our show और आपको जैसे हमें देखने में मजा आ रहा है, I think आप सबको बहुत मजा आएगा। हमें करने में मजा आ रहा है, आपको देखने में मजा आएगा। जैसे कि आज सत्या ने सुशील की चिप हासिल करने में मदद की, इससे तो यही लगता है दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। अब जल्द दोनों के बीच प्यार देखने को मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं सत्या भी यही चाहते हैं कि लीला दादी की असलियत सामने आ जाए। अच्छा, मुझे दादी के बारे में जल्दी से पता चले, मैं प्राची से सुशील से मेरे रोमांस वाले सीन आए जिसमें मैं मुझे लगता मैं अच्छा हूं। तो बट इतनी आसानी से होगा नहीं, तो वी ऑल आर ग्रीडी कि जल्दी से ऐसा हो। अब सत्या सुशील के साथ है तो दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा और दोनों साथ मिलकर जल्द ही लीला दादी की असलियत सबके सामने ले आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। कमिंग अप ऑन द शो, तेनाली रामा में हुई फिल्म स्टार मिनीषा लांबा की एंट्री। बॉलीवुड की ब्यूटीफुल स्टार मिनीषा लांबा अब छोटे पर्दे पर दिखाएंगी अपने अदाओं के जलवे। जी हां, मिनीषा सीरियल तेनाली रामा में एक विष कन्या के किरदार में नजर आएंगी। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मिनीषा ने बताया अपने इस किरदार के बारे में। मैं किरदार बन के आई हूँ जो एक विषकन्या है, और जो अगर जानते हैं कि विषकन्या क्या है, विषकन्या मतलब पॉइजन मेडन, जिनका खून जहर से भरा हुआ होता है और वो साइलेंट असासंस होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो बस एक उंगली और एक नाखून के मार्क से किसी का कत्ल कर सकती है। तो शी इज अ डेंजरस कैरेक्टर। चलिए, यहाँ पर आए ना, यहाँ पर जब कोई आता तो उसका सामना सिर्फ तेनाली से ही होता है, यू नो, बहुत दिमाग वाले हैं उनसे, तो उनका कैसे सामना होगा, उनको कैसे पराजित करने की कोशिश करेंगे? वैसे ये अभी आगे देखने को मिलेगा आपको, मैं आपको ये बता नहीं सकती क्योंकि फिर आपको एपिसोड देखना पड़ेगा और उसका आपको मजा निकालना होगा। ये जो लुक है, ये आपका विश करने वाला, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे हमेशा अपने इंडियन लुक्स बहुत अच्छे लगे हैं। मैं ज़्यादा वेस्टर्न नहीं, लेकिन इंडियन कैरेक्टर्स करना मुझे बहुत पसंद है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट, क्योंकि इंडियन में रहना, इंडियन ज्वेलरी पहनना, ऐसे लंबे लंबे बाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यू नो, बहुत हिंदी शुद्ध बोलनी पड़ रही है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है। जी 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 जी, ये तो मेरा दूसरा दिन है और मुझे लगता है अगर आप 3 दिन बाद आओगे तो मेरी हिंदी एकदम स्पष्ट और शुद्ध होने वाली है। चलिए, आप असली कितना सेट पर एंजॉय करेंगे? नो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि गर्मी है, मुझे लगता है कि जैसे आप फिल्मों में शूट करते हो वैसे टेलीविज़न में ही है, लेकिन हाँ, टेलीविज़न में चीज़ें जल्दी होती है और जो सीन्स इतनी लंबी है वो जल्दी निपट जाते हैं और अच्छे अच्छे निपट जाते हैं। सो दैट्स रियली गुड। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.